पिछले कुछ सालों में इंडिया में टू व्हीलर इंडस्ट्री के अंदर स्कूटर्स की जो डिमांड है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुई है। अब एज को देखकर लोग स्कूटर्स नहीं खरीदते कि अगर वो ज़्यादा एज के हैं तो वो स्कूटर खरीदे, बल्कि यंगस्टर्स जो हैं वो भी स्कूटर को प्रेफर करते हैं, वो भी स्कूटर को लेना चाहते हैं, वो भी अपने कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह भी स्कूटर से ही जाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी स्कूटर्स के अंदर सिर्फ स्टोरेज स्पेस के साथ साथ खाली अच्छा माइलेज ना हो बल्कि गाड़ी के अंदर अच्छे फीचर्स हों, स्पोर्टी लुक्स हों जिससे लोग अट्रैक्ट हो सकें और उनकी गाड़ी जो है वो अच्छी दिखाई पड़े, इसलिए अच्छे स्कूटर्स भी मार्केट में आने लगे हैं। और अगर आप भी अपने लिए तलाश कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छे स्कूटर की जो अच्छा दिखाई पड़ता है, काफ़ी भरोसेमंद है, अच्छा माइलेज भी देता है जिससे आप लोग अपनी डेली कम्यूटिंग को आसान बना सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे 5 स्कूटर बताने वाला हूं जो 110 सीसी के अंदर आते हैं और उसको आप लोग अपने लिए परचेज कर सकते हैं। तो कौन से हैं वो स्कूटर जानेंगे आज के इस वीडियो में मेरे साथ, तो मेरा नाम है फराज और आइए आज बात करते हैं बेस्ट 110 सीसी वाले स्कूटर्स के जो 2023 में आप लोग ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं 5th प्लेस से और 5th प्लेस पर आती है इंडिया के सबसे भरोसेमंद टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर की तरफ से आने वाली स्कूटर जो 110 सीसी के अंदर आती है। उसके अंदर आप लोगों को दो वेरिएंट्स मिलते हैं, डिस्क भी आता है और ड्रम भी आता है, और मैं बात कर रहा हूँ हीरो माइस्ट्रो की। आइए जरा हीरो माइस्ट्रो के बारे में जान लेते हैं। अभी जो हीरो की माइस्ट्रो स्कूटर है, ये माइस्ट्रो एज स्कूटर दो वेरिएंट्स के अंदर आती है, ZX ड्रम और ZX डिस्क, जिसका प्राइस जो है 68,000 से शुरू हो जाता है। 73,000 इसका टॉप मॉडल का प्राइस है एक्स शोरूम दिल्ली, और ये स्कूटर 110 सीसी के साथ आती है। और अगर मैं बात करता हूँ इसके पावर परफॉर्मेंस की, तो इसके अंदर आप लोगों को 8.1 पीएस की पावर मिलती है, 8.7 एनएम का टॉर्क मिलता है, काफ़ी अच्छी पावर मिलती है स्कूटर के हिसाब से, इस इंजन के हिसाब से। फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आप लोग को डिजिटल और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, मतलब डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन मिलता है। साथ ही गाड़ी के अंदर आप लोग को स्कूटर में आप लोग को LED टेल लाइट्स मिलती हैं, साइड स्टैंड इंडिकेटर्स मिल जाता है, और तो और डिस्क का भी ऑप्शन मिलता है अगर आप लोग इसका डिस्क वाला वेरियंट खरीदते हैं। तो ये स्कूटर काफ़ी कमाल की है जो आप लोग को इतने कम प्राइस में मिलती है, जो कि 68,000 से आप लोग को मिल जाती है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है और हीरो का भरोसा इसके अंदर मिलता है। तो अगर एक हीरो की भरोसेमंद स्कूटर चाहिए तो आप लोग हीरो माइस्ट्रो एच के लिए जा सकते हैं। तो इस लिस्ट की जो नेक्स्ट स्कूटर है वो एक काफ़ी स्टाइलिश स्कूटर है। अगर आप लोग अपने लिए एक स्टाइलिश स्कूटर की तलाश कर रहे हैं और आप यंग हैं तो आप लोग स्कूटर के लिए जा सकते हैं, और ये स्कूटर आती है होंडा की तरफ से, बट ये एक डिफरेंट अप्रोच वाली स्कूटर है, जहाँ पर ये गाड़ी जो है थोड़ी सी ज़्यादा फंकी डिज़ाइन में आती है। स्कूटर के अंदर आप लोग को थोड़े से ज़्यादा अट्रैक्टिव डिज़ाइन मिलते हैं, और ये है होंडा की डियो। अब होंडा की जो ये डियो स्कूटर है ये 110 सीसी के अंदर आती है। इस स्कूटर के अंदर जो आप लोग को स्टाइलिंग मिलती है वो डिफरेंट है होंडा की एक्टिवा से, क्योंकि होंडा एक्टिवा के अंदर थोड़ा सा एक मैच्योर डिज़ाइन मिलता है, जो एक थोड़ा सा जो एज ग्रुप वाले लोग हैं, ज़्यादा एज ग्रुप वाले लोग हैं उनको भी पसंद आ जाती है। बट ये स्कूटर जो है यंगस्टर्स को देखते हुए बनाई गई है, एक फंकी स्टाइलिंग इसके अंदर मिल जाती है, जहाँ पर आप लोग को डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है, साइड स्टैंड इंडिकेटर मिल जाता है, कट ऑफ मिल जाता है, मतलब साइड स्टैंड अगर नीचे होगा तो स्कूटर बंद हो जाएगी, जो कि काफ़ी एक अच्छा सेफ्टी फीचर है। साथ ही स्कूटर के अंदर जो फ्यूल लिड है वो आप लोग को एक्सटर्नल मिलता है, मतलब बार बार सीट नहीं खोलनी पड़ेगी, और एक्सटर्नल फ्यूल लिड से आप लोग को काफ़ी आसानी हो जाती है, जिस तरीके से TVS की एंटॉर्क के अंदर मिलती है। स्कूटर में आप लोग को LED हेडलैम्प्स दिए जाते हैं, जो कि फ्रंट में पोजीशन किए गए हैं, और रियर में आप लोग को काफ़ी अट्रैक्टिव सी ग्रैब रेल भी दी जाती है। स्कूटर की पावर परफॉर्मेंस की बात करता हूं तो स्कूटर के अंदर आप लोग को जो पावर है वो हीरो की माइस्ट्रो एस से थोड़ी सी कम मिलती है, क्योंकि इसके अंदर 7.8 पीएस की पावर मिलती है और 9 Nm का टॉर्क मिल जाता है। अगर टॉर्क वाइज देखा जाए तो टॉर्क फिगर वाइज तो हीरो माइस्ट्रो एच से ज़्यादा है, यानी पिकअप वो ज़्यादा मिल जाता है। बट जहाँ पर प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस का स्टार्ट होता है 68,625 से, और टॉप मॉडल जो है वो 74,000 के अराउंड चला जाता है, जो कि 1,000 रुपये ज़्यादा है हीरो की माइस्ट्रो एच से। बट स्कूटर के अंदर आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं जो उसके अंदर नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा फंकी स्कूटर है, टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन के साथ आती है, इसके अंदर आप लोग को रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन भी मिल जाता है, काफ़ी सारे फीचर्स मिल रहे हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से इस स्कूटर के अंदर प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। 1,000 रुपये ज़्यादा मेरे हिसाब से बहुत माइनर सही चेंज है, बट ये स्कूटर काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर आप यंग हैं तो आप लोग स्कूटर को ज़्यादा पसंद करेंगे, और मेरे हिसाब से आप लोग को होंडा की डियो के लिए जाना चाहिए। अब इस लिस्ट में जो अगली स्कूटर है वो एक ऐसी स्कूटर है जो बहुत ज़्यादा
अच्छे माइलेज के लिए जानी जाती है, बहुत ज़्यादा भरोसे के लिए जानी जाती है। और ये स्कूटर आती है TVS की तरफ से, और मैं बात कर रहा हूँ TVS की जुपिटर 110cc के बारे में। और ये स्कूटर काफ़ी कमाल का माइलेज देती है, तो तकरीबन 50 से 55 किलोमीटर का इजीली माइलेज दे देती है। सिटी के अंदर आप लोग इसको आराम से चला सकते हैं और बेफिक्री से आप लोग इससे डेली कम्यूटिंग भी कर सकते हैं। बट इसके अंदर क्या सारी चीज़ें मिलती हैं, पावर वगैरह कैसी मिलती है, आइए ज़रा उसके बारे में जान लेते हैं। अब TVS की जो जुपिटर है ये इंडिया की सेकंड बेस्ट सेलिंग स्कूटर मानी जाती है, क्योंकि ये स्कूटर जो है काफ़ी भरोसा देती है। TVS की स्कूटर काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड है। इसके अंदर जो इंजन दिया जाता है 109.7cc वाला इंजन है, जो 7.88 PS की पावर देता है। अगर पावर वाइज देखा जाए तो इस गाड़ी के अंदर यानी स्कूटर के अंदर जो पावर है वो होंडा की डियो से ऑलमोस्ट सेम है, बट हीरो की माइस्ट्रो एस से थोड़ी सी कम पावर मिलती है। वहीं टॉर्क की बात करते हैं तो 8.8 Nm का टॉर्क मिल जाता है। और अगर इस गाड़ी के अंदर फीचर्स वाइज देखा जाए तो LED हेडलैम्प्स इसके अंदर मिलते हैं, टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन मिल जाते हैं, एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग कैप इसके अंदर भी मिलता है, एलॉय व्हील्स मिलते हैं जो स्कूटर को काफ़ी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लुक भी दे देता है। जो TVS की जुपिटर है इसके अंदर काफ़ी सारे एस्थेटिकली डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं, कलर ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं। जुपिटर क्लासिक भी आती है, जो कि काफ़ी क्लासिक सा डिज़ाइन देती है, काफ़ी डिफरेंट दिखाई पड़ती है। और स्कूटर में आप लोगों को मोबाइल चार्जर भी मिलता है, काफ़ी प्रैक्टिकलिटी का ध्यान रखा गया है। और ड्रम एंड डिस्क ब्रेक के ऑप्शन भी स्कूटर के अंदर आप लोगों को दिए जाते हैं। तो ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं जो स्कूटर में आप लोगों को मिलते हैं। और क्लासिक वर्जन भी आता है, जो कि एक वाइजर वगैरह स्कूटर के अंदर लगा होता है, पीछे जो है वो बैकरेस्ट वगैरह लगा होता है, जो कि एक डिफरेंट स्टाइलिंग देता है, एक रेट्रो वाला फील दे देता है। और बहुत ही अच्छी स्टाइलिंग के साथ ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी देती है। बट प्राइस की जहाँ पर बात होती है तो स्कूटर का प्राइस 69,999 से एंट्री लेवल जो बेस मॉडल है वो स्टार्ट होता है, वहीं टॉप मॉडल जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव चला जाता है, जो कि 86,000 rupees का है। और अगर देखा जाए तो ये दोनों ही प्राइजेस एक शोरूम है दिल्ली के अंदर, बट अपने स्टेट का प्राइस आप लोग बता सकते हैं, कमेंट में नाम बता सकते हैं स्टेट का, सिटी का, मैं आप लोग को आपका प्राइस वहां पर बता दूंगा। और टॉप एंड जो मॉडल है यानी 86,000 वाला जो मैंने आप लोग को प्राइस बताया है, ये इसके जुपिटर क्लासिक वाला वेरिएंट है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसके अंदर आप लोग को वाइजर वगैरह मिलता है, वो ये वाला क्लासिक वेरिएंट है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर आप लोग जुपिटर ले रहे हैं तो एक थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएंट लेना चाहते हैं तो आप लोग TVS की जुपिटर क्लासिक के लिए भी जा सकते हैं। अब अगली स्कूटर वो स्कूटर है जिसको मैंने हाल ही में टेस्ट किया है। अगर आप लोग मोटरनॉमिक्स को फॉलो करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि मैं किस स्कूटर के बारे में बात कर रहा हूँ। ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसकी रियल लाइफ वीडियो देख सकते हैं, इसकी राइड रिव्यू वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने इसकी डीलरशिप पर जाके काफ़ी सारे डिस्काउंट के ऑप्शंस बनाए हैं, जहाँ पर इसका डिस्काउंट क्या वगैरह मिल रहा है, कौन से वेरिएंट इसके अंदर आते हैं, बेस्ट वेरिएंट कौन सा है। स्कूटर के अंदर 3 वेरिएंट्स आते हैं। ये स्कूटर काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन के साथ आई है और ये जो मैन्युफैक्चरर हैं इनकी ये स्कूटर इस तरह की स्कूटर पहली स्कूटर है। मैं बात कर रहा हूं हीरो मोटोकॉर्प की जूम स्कूटर की, जो कि 110cc के साथ आई है। और जो TVS की एंटॉर्क 125cc आती है, बिल्कुल उसको टक्कर देते हुए 110cc के अंदर हीरो ने इस जूम स्कूटर को उतार दिया है। काफी इंटरेस्टिंग स्कूटर है, आइए जरा उसके बारे में जान लेते हैं। अब हीरो की जो जूम स्कूटर है काफी फीचर लोडेड स्कूटर है। स्कूटर में आप लोग को डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है, मतलब आप लोग अपने मोबाइल से ब्लूटूथ को कनेक्ट करके डिटेल्स देख सकते हैं। अगर कोई कॉल वगैरह आती है तो वो भी आप लोग नोटिफिकेशन दे सकते हैं, मैसेज की नोटिफिकेशन दे सकते हैं, अपने राइडिंग एनालिटिक्स को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही स्कूटर के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नया तरीके का फीचर दिया गया है, जो कि आप लोगों को कार में देखने को मिलता है, और वो है कॉर्नरिंग लाइट्स का। मतलब स्कूटर के अंदर जो फ्रंट में लाइट दी गई है, अगर आप लोग हैंडल को राइट करते हैं तो राइट में एक लाइट है जो जल जाती है, लेफ्ट में करते हैं तो लेफ्ट में लाइट जल जाती है, जिससे होता क्या है, रात में अंधेरे में अगर आप लोग सिंगल हेडलाइट्स की बात करते हैं जो स्कूटर में मिलती है, उससे विजिबिलिटी बहुत कम होती है। बट इस कॉर्नरिंग लैंप से अगर आप लोग टर्न वगैरह लेते हैं तो वहां पर काफी हेल्प मिल जाती है, लाइट बेसिकली ज्यादा हो जाती है जो स्कूटर के अंदर इनबिल्ट दी जा रही है, कोई एक्स्ट्रा लाइट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और LED हेडलाइट्स भी मिलती है, जिसकी काफी अच्छा थ्रो इसके अंदर मिलता है। और ज्यादा स्टाइलिंग के लिए टेल लैंप्स दिया गया है LED, और आप लोग को DRS भी दी जा रही है। स्कूटर के अंदर अगर बात करते हैं तो ये स्कूटर जो है इसके अंदर स्टाइलिंग थीम जो दी गई है वो हीरो की जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आती है विदा, उससे काफ़ी सिमिलर इसके अंदर स्टाइलिंग दी गई है और काफ़ी सारे एलिमेंट्स उसी से बोरो किए गए हैं। वहीं अगर बात करता हूँ कि स्कूटर के डिज़ाइन वगैरह की तो बात हो गई, फीचर बड़ा कमाल मिलता है, बट पावर वगैरह कैसी है। देखिए स्कूटर के अंदर 110.9cc का इंजन मिलता है, मैंने स्कूटर को चलाया है, अपना राइड एक्सपीरियंस शेयर किया है, नहीं देखा है तो अभी के अभी जाके हीरो जूम की वीडियो ज़रूर देखिएगा, जहाँ पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कितनी कमाल की स्कूटर है। बट फिगर्स वाइज
अगर बात करते हैं तो 8.1 PS की पावर है, 8.7 Nm का टॉर्क है, जो कि जुपिटर से बेटर है, होंडा डियो से बेटर है और ऑलमोस्ट सेम ही है जो आप लोगों को हीरो माइस्ट्रो एज में मिलती है। और टॉर्क जो है वो 8.7 Nm का मिल जाता है। स्कूटर के अंदर ड्रम और डिस्क के दोनों वेरिएंट्स आते हैं, तीन वेरिएंट स्कूटर के अंदर दिए जाते हैं। स्टार्टिंग प्राइस की बात करता हूं तो 68.599 का इसके अंदर प्राइस मिलता है, 68,600 का इसका शोरूम प्राइस है इसके बेस मॉडल का। और टॉप मॉडल की बात करते हैं तो 76,700 का इसका शोरूम प्राइस है दिल्ली के अंदर। और ये स्कूटर अपने कमाल के फीचर्स के लिए जानी जाती है। अगर बहुत ही अच्छे फीचर्स चाहिए तो इस लिस्ट में आप लोग हीरो जूम को पिक कर सकते हैं। आइए बात करते हैं इंडिया की सबसे भरोसेमंद स्कूटर के बारे में, जिसको सभी लोग लेना चाहते हैं। इसके भरोसे की वजह से स्कूटर जो है फर्स्ट प्लेस पर है, और मैं बात कर रहा हूं हाल ही में अपडेट हुई होंडा की एक्टिवा एच स्मार्ट के बारे में। होंडा की जो ये स्कूटर है 2023 में इसका एक नया अपडेट आया है, जहां पर आप लोग को एक नया फीचर दिया गया है। और ये फीचर एक कार की तरह फीचर है, जहां पर ये स्कूटर जो है कुछ कार की तरह वर्क करती है। मतलब कार के अंदर जो आप लोग को रिमोट वाली की मिलती है, जिससे आप लोग स्कूटर को अनलॉक, मतलब गाड़ी को जो है वो लॉक कर लेते हैं, अनलॉक कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से स्कूटर के अंदर यानी एक्टिवा एक्स स्मार्ट के अंदर एक फीचर दिया गया है, जिससे आप लोग स्कूटर को ऑन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ये कुछ फीचर हैं जो आप लोग कुछ इसके दायरे में आके, कुछ रेंज में आके, अगर स्कूटर के पास में खड़े होते हैं तो वहाँ पर आप लोग ये फीचर को एक्सेस कर सकते हैं और स्कूटर स्टार्ट भी हो जाती है, जो कि कमाल का एक नया फीचर है जो इस स्कूटर में दिया गया है और काफ़ी हाइप बना रहा है। साथ ही अगर बात करते हैं और फीचर्स की, तो स्कूटर के अंदर आप लोग को अलॉय व्हील्स भी दिए जा रहे हैं। बट हमेशा से एक्टिवा के अंदर काफ़ी सारी मिनिमलिस्टिक चीज़ें दी रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फीचर नहीं रहे हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं आया है। बट इस वाले मॉडल में यानी 110 सीसी वाले मॉडल में अभी भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं आया है, अभी भी एनालॉग ही दिया जा रहा है। वैसे तो गाड़ी स्मार्ट बन चुकी है, स्कूटर स्मार्ट बन चुकी है, बट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जहाँ पर बात आती है तो वो अभी भी आप लोग को एनालॉग वाला ही दिया जा रहा है। और फीचर्स की जहाँ पर बात करते हैं तो स्कूटर में आप लोग को 7.8 PS की पावर मिलती है, और टॉर्क जो है यानी पिकअप जो है वो सबसे अच्छा है अभी तक लिस्ट में जो मैंने आपको बताया है। इसमें आप लोग को 8.9 Nm का टॉर्क मिल जाता है, और ब्रेक के अंदर आप लोग को ड्रम वाला सेटअप मिलता है स्कूटर के अंदर, और साथ ही इसके अंदर आप लोग को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। और वहीं अगर बात करता हूं इस बेस्ट सेलिंग स्कूटर के प्राइस के बारे में, तो इसके नए जो अपडेट आया है इसकी वजह से नया प्राइस है वो चेंज हो चुका है, और नया प्राइस है 74,500 का। वहीं जो टॉप स्पेक वाला मॉडल है वो 80,000 के आसपास चला जाता है, और दिल्ली में ये एक शोरूम प्राइस है। बट अगर अपनी सिटी में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में नाम लिख के अपनी सिटी का, आप लोग को वहां का प्राइस मैं जरूर बता दूंगा। और अगर आप लोग सबसे ज्यादा भरोसेमंद स्कूटर चाहते हैं तो फिर आप लोग होंडा एक्टिवा के लिए जा सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को माइलेज ही बहुत कमाल का मिलता है, जिसको आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इस स्कूटर के अंदर नई चीजें आ चुकी हैं, तो भरोसों के साथ साथ स्कूटर अब ज्यादा स्मार्ट भी बन गई है। तो यही था आज की इस वीडियो में, जहां पर मैंने आप लोग को इन स्कूटर्स के बारे में डिटेल्स शेयर कर दी है। अब चॉइस आपको बनानी है कि आप लोग को ज्यादा फीचर्स चाहिए, अच्छे लुक चाहिए, या फिर डेली कम्यूटिंग के लिए ज्यादा प्रैक्टिकलिटी चाहिए। वो चॉइस तो आपकी है, डिटेल्स मैंने शेयर कर दी है। अगर डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, आज की ये वीडियो ओवरऑल पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक बटन दबा के लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं एक बटन दबा के सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी ये वीडियोज होती हैं आप लोग के लिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं बल्कि ऑटो नॉलेज भी लेकर आती हैं। साथ साथ आप लोग के लिए काफी सारे रिव्यूज कंपैरिजन भी चैनल पर आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और आप लोग वहां पे वीडियोस जो हैं उसको देखते रहिए, और हमारे साथ ये कनेक्शन जो है इसको और स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। और इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो एक बटन दबा के Motonomics1 डालकर इंस्टाग्राम पर आइए, और या फिर फेसबुक आप लोग चेकआउट करते हैं, आप लोग फेसबुक एक्सेस करते हैं तो आप लोग फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। Motonomics1 डालिए, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को Motonomics मिल जाएगा, और डेली अपडेट्स आप लोग को वहां पर मिलती रहती है कि इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है, कौन से न्यू लॉन्चेस आने वाले हैं, और कौन सा शूट चल रहा है, क्या बिहाइंड द सीन वगैरह चल रहे हैं, वहां पर आप लोग देख सकते हैं। कोई सवाल वगैरह है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सी बाइक लेनी चाहिए, कौन स्कूटर लेनी चाहिए, सारी चीजें आप लोग Motonomics1 पर या फिर Faraz23 पर आके मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों को सारे सॉल्यूशंस जो है वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और जानना चाहते हैं कि आपके स्टेट में कौन सा प्राइस किस स्कूटर का है, क्योंकि स्टेट वाइज जो प्राइस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मैंने जो प्राइस बताया है वो आप लोग को एक शोरूम प्राइस बताया है, वो आपके स्टेट के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। अपनी सिटी का आप लोग नाम लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोग को बता दूंगा कि आप लोग की सिटी में क्या प्राइस है। आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हाई।